हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप चैनल में जिसका नाम है डेली न्यू प्रोडक्ट, जिसमें हम नए नए प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं या आप होम पे यूज़ करते हैं। जो कि हम आज प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जो आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर। आज हम सैमसंग का जो रेफ्रिजरेटर है वो हम इसका रिव्यू करेंगे। ये मैंने 2 ईयर बिफोर 2 साल पहले ख़रीदा था, जिसका मैं आज रिव्यू करूँगा कि किस तरह आपको ये कितना फ़ायदेमंद है, कितनी सी कैपेसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं पावर सेविंग मोड। दोस्तों, सी है 1, 2, 3, 4 स्टार। ये 4 स्टार है। 4 स्टार का मीनिंग है कि ये बहुत कम एनर्जी लेता है, यानी कि अगर आपका बिजली का बिल है तो बिजली का बिल इस वजह से बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन 130 यूनिट्स पर ईयर, एक साल में केवल 130 यूनिट कंज्यूम करेगा, जो कि बहुत कम है। पूरे साल में 130 यूनिट ही कंज्यूम करेगा, जो कि आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 4 से 5 रुपये होती है, यानी कि आपका बैठेगा ये 500 या 600-700 रुपये पूरे साल में आपकी ये कंज्यूम करेगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी जो कैपेसिटी है 190 लीटर की कैपेसिटी है। सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है। और ये दूसरा क्या है, डिजिटल इन्वर्टर। 10 ईयर की वारंटी होती है कंपनी की इसकी, और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो हमारी आजकल इतनी गर्मी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है कट लग जाता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की। तो ये अगर आप इसको इन्वर्टर पर चलाएंगे तो ये आराम से इन्वर्टर में चल सकता है। ये ऐसा नहीं कि आपकी इन्वर्टर को बहुत कंज्यूम करेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, आपका इन्वर्टर डूब जाएगा। बिल्कुल डिजिटल इन्वर्टर पर काम करता है ये, बिल्कुल बहुत ही कम एनर्जी, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था कि जो 4 स्टार है बहुत कम एनर्जी लेता है, तो इसीलिए ये इन्वर्टर पे बेस है। इन्वर्टर पे ये आराम से चलेगा। ये लिखा हुआ है इस पर, आपको पूरा लिखा, कनेक्ट इन्वर्टर रन्स ऑन होम इन्वर्टर। जो भी आपके घर में इन्वर्टर है, जितने वाट का इन्वर्टर है, इसमें आराम से ये चल जाएगा। कंजम्पशन लेस पावर देन 2 CFL। जितनी आपकी 2 CFL यूनिट लेती है उतनी ही ये यूनिट कंज्यूम करता है, यानी कि बहुत कम यूनिट कंज्यूम करता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑप्शन, और आपको इसके लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, आपको इसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अलग से कोई स्टेबलाइजर, या जैसे हम घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, डाउन आती है, उसके लिए हम स्टेबलाइजर लगाते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अप डाउन करता है, तो ऐसा कोई हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की। तो दोस्तों, बिल्कुल स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है इसका, कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक है, जब भी आपकी पावर, जब ये अपने आप ही अपनी पावर बंद कर दे, जैसे ये पूरा लगता है, ये इसका जो अंदर का ऑप्शन पूरा हो चुका है तो ये ऑफ हो जाता है, और जब इसको लगता है कि हाँ अभी हमें ठंडी करने की ज़रूरत है, हमारे प्रोडक्ट को ठंडी करने की ज़रूरत है, तो ये ऑन हो जाता है, यानी खुद ब खुद अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम इसका है। तो दोस्तों, अभी इसके मैं अंदर से दिखाता हूँ। अंदर इसके, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ की है, ये आपको दिखा रहा हूँ। और ये इसका बहुत अच्छा वो है, और जो इसका कलर है, कलर देखो कितना अच्छा इसका कलर है। आपको ऊपर से नीचे तक एक बार दिखा दिए, ऊपर से नीचे को दिखा देते हैं कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा डिज़ाइन इसमें बनाया हुआ है। अंदर इसमें ये भी, आप यहाँ पे आलू प्याज कुछ भी रख सकते हो, जो कि और सभी में नहीं मिलता, बहुत कम में मिलता है। तो ये इसके अंदर है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा इसमें। और दोस्तों, इसमें किसी स्टैंड की जरूरत भी नहीं है, ये इधर से आप देखो तो इसमें स्टैंड का काम भी कर रहा है, स्टैंड भी काम करता है, और बाकी आपकी कैपेसिटी स्टोरेज भी इसके अंदर है। अब मैं आपको इसको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। ये दोस्तों, इसके अंदर के आप बहुत सारी, इसके अंदर 192 लीटर का है, आपको बहुत सारी बोतल, ये वो, यहाँ पे आप कुछ भी कॉस्मेटिक आइटम में कुछ भी रख सकते हो। ये अंदर से इसका बॉक्स है, आप इसमें कुछ, जैसे आप चने दाल वाल या भी जो भी अपने प्रोडक्ट का जो भी आइटम है अपनी तरफ से रख सकते हो। और दोस्तों, ये मैंने अलग से मंगाया हुआ था, जैसे आप कुछ सब्जी वब्जी या टमाटर रखते हो, इस तरह का मैंने लगाया हुआ है, ये रखा हुआ है। और दोस्तों, ये भी मैंने अलग से मंगाया था, जिससे कि आपका जो फ्रिज है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अब कुछ ना कुछ डेली आइटम रखते हैं, कुछ भी गिर जाता है, दही दूध कुछ भी गिर जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से मंगाए हुए हैं सबके सब आइटम। आपने देखा है, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये इसका अंदर का जो है वो है कूलिंग करने का, ये अभी आपको यहाँ से। तो दोस्तों, ये इसका बटन है, जैसे कि आप आपको देख रहा है बहुत सारा बर्फ इस तरह जम चुका है। वैसे तो हम जमाना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कूलिंग रखनी है तो हमें ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपको लगता है बहुत सारा बर्फ जम चुका है तो उस टाइम आपको इसको डीप फ्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। और मानसून की बात करें, से आपका थोड़ा मौसम बाहर का ठंडा है तो आप मानसून में यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सूरज निकल रहा है तो आप यहाँ पे इसको अलग से सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, कूलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यदि आपको लग रहा है सर्दी है, इसमें लिखा विंटर, सर्दी में आपको यहाँ पे सेट करना, क्योंकि सर्दी में ऑलरेडी इतने कूलिंग रहती है तो ज़रूरत नहीं होती है हमें ज़्यादा कूलिंग होती, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों यार कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यहाँ भी आप कुछ, बाकी सारा इंडिकेटर इस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब लिखा हुआ है, बर्फ को सिस्टर फ्रीजर जोन के अंदर डिस्पोजन के लिए दबाई, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी का बहुत अच्छा वो है, 190 लीटर कैपेसिटी। आप आराम से अपने,
तो दोस्तों ये वीडियो थी, इस तरह की मैं बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो लाता हूँ, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों।